नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न देश का सबसे महान और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में करी गई थी। यह कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश में नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इसके मेडल में पीतल के पत्ते के आकार का सूर्य अंकित रहता है, जो मुख्य रूप से प्लेटिनम का बना हुआ होता है, और इसके जस्ट नीचे के भारत रत्न लिखा हुआ होता है, जो मुख्य रूप से चांदी का बना हुआ होता है। इसकी लंबाई 59 mm की होती है, चौड़ाई 48 mm की होती है, और इसकी मोटाई जो होती है वो 3.3 mm की होती है। मेडल के जस्ट पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। भारत में जब से शुरुआत से लेके अब तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिनमें दो विदेशी नागरिक हैं, जिनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में इनको दिया गया था। इनके बाद दूसरे जो विदेशी है वो नेशले मंडेला है, जिनको 1990 के अंतर्गत भारत रत्न दिया गया था। अब तक 43 पुरुषों को और 5 महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है। सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करने वाले माननीय सचिन तेंदुलकर जी हैं। जिस किसी को भी भारत रत्न मिलता है, उनको कुछ स्पेसिफिक सुविधाएं प्रदान करी जाती है। जैसे जिस किसी को भी भारत रत्न मिलता है, वो VVIP का दर्जा प्राप्त करता है, और इन्हें आवश्यकता होने पर जेड श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान कर सकती है। जिस किसी को भी भारत रत्न मिलता है, उनके कैबिनेट श्रेणी की मान्यता मिलती है, और यह संसद या कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं, और साथ ही एयर इंडिया और रेलवे की फर्स्ट श्रेणी में इनको यात्रा मुक्त प्रदान करी जाती है। आई होप आपको भारत रत्न के बारे में जो भी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है वो आपको अच्छी लगी है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड